मैंने कहा ना जितना इनको चाहिए, हमने कह दिया अपने नेता से जितना सूखा राशन चाहिए पप्पू यादव की तरफ से चलेगा, आप बेफिक्र है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं। दो साल पहले किसकी सरकार थी, दो साल बाद किसकी सरकार है, दो साल पहले किसकी सरकार थी सर, 40 साल से किन किन की सरकार है, 40 साल में मित्रा कोसी सीमांचल के लिए क्या हुआ, कोसी की स्थिति इतनी बुरी क्यों, कोसी के लोग कब तक जान रखते हैं ना, बिहार में गरीब है उतना टका हमारा छे, ये पूछो कुत्ता शब्द है हमारा न, हमारा छे होते पैसा 30,000 रुपया छे, रुको 20 घर वाला आते आदमी छो ना है जा दिए ना, 55-70 सबका पहले सर, हम लोग बांध के रहते हैं, कितने दिन के बाद खोले और कितना दिन में आप बंद कर दीजिए, और सीओ से कहा जाता है तो सीओ किसी चीज को रिस्पांस नहीं लेती है, बिजली अभी 5 दिनों से बहाल नहीं हुआ, अभी हमको बात करनी पड़ी बिजली बहाल करने की, ये हवाई सर्वे करने से और दुबई में दारू पीने से काम चलेगा, और दिल्ली में सोने से, और करोड़ों अरबों रुपया के चोर सबको जुटान करके पार्टी बनाने से, ये माफिया सबको कभी पैर झुका है इन लोगों का, कभी बाप दादे ने पैर देखा है, एक घुटना भर पानी में गए हैं, कभी जनता का दर्द देखा है, ये तो जनता इतनी बेचारी है कि जिसका हाल ये कर दिया है, ये पैसा के बदौलत आप चैनल पर दिखते हैं, जनता को दिखाइए ना भाई, जमालपुर की क्या स्थिति है भाई, कुशेश्वर स्थान की क्या स्थिति है भाई, मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है, शिवहर सीतामढ़ी की क्या स्थिति है, ऐसे लोग ये गरीब लोग की जिंदगी आप कभी देखे हैं, शहर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी और हम विपक्ष के सभी नेताओं से जानना चाहेंगे, वो 100 हेलीकॉप्टर चुनाव में जो घूमते हैं वो कहां है, और उस वक्त जो आप पैसा देके वोट लेते हैं वो कहां है, और उस वक्त जो आप मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पर वो पैसा कहां है, आज कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिला, आज पैसे नहीं मिले, 7 लाख का एक टेंट लगा करके सोना और वेरिटेन मशीन डिब्बा में एसी में सोना जनता दर्शन है।